वैसे तो हम अपने से बड़ों की बहुत इज्जत करते हैं, पर कुछ रिश्तेदारों को देख के ना मन करता है मार दो थप्पड़। ऐसा नहीं है कि मतलब हम गलत हैं, हम गंदे हैं, वो गलत हैं, वो गंदे हैं, घर भी आएंगे बुराई भी हमारी ही करेंगे और बोलेंगे ऐसी ऐसी चीजें कि आग लग जाए इंसान को कि अच्छा तुम्हारे इतने नंबर आए, उसके ज्यादा आए थे पिछली बार। आंटी आप मत बोलिए, आपके घर वालों ने सातवीं के बाद पढ़ाया नहीं तो शादी कर दी थी आपकी। बिस्किट में स्वाद नहीं है तो मत खाओ ना, मत खाओ, कौन कह रहा है खाने के लिए। कल ये घूम रही थी किसी के साथ, कौन से लड़के के साथ घूम रही थी बेटा? तुम्हारे पति के साथ घूम रहे थी। इतना कमा लेते हो? बस आंटी इतना कमा लेते हैं कि आपको जहर खिला सके, बताइए खिलाएं? भाभी शादी की उम्र हो गई है इसकी तो। हाँ इतना शौक है ना शादी कराने का तो अपने पति की एक और बार करवा दो। सिंगलबाजी मत करो आंटी, अच्छी नहीं लगती वे सब करती हुई। आपके लिए तो ना नर्क के द्वार ऐसे बाहें खोल के खड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे आपके यार वो इतना अकड़ू और सड़ू क्यों है? इतना डर क्यों लगता है उससे? जबकि मैं उसको कितना प्यार करती हूँ, इतना भी कोई हसीन नहीं है, फिर भी मुझे सबसे हसीन लगता है। पता नहीं इतना डरा के क्यों रखा हुआ है मुझे, फिर भी वो जान है मेरी। हाँ इसीलिए तो अकड़ता है बहुत, फिर भी कितना क्यूट लगता है, दिल करता है हर वक्त बस मेरे पास रहे। पता नहीं वो हमेशा के लिए मेरा कब होगा, जब वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा ना तब उसको इतना मारूंगी सारे बदले ले लूंगी। इतना पागल करके जो रखा हुआ है, नकचिड़ा कहीं का, पगलू शोनू मोनू। इतनी मेहनत से बिगाड़ा है खुद को, जाइए आप किसी और को सीधा कीजिए। इधर सही से लड़का पलट कर नहीं देखता और मेरे घर वालों को डर है कि मैं कहीं लव मैरिज ना कर लूं। आपका क्या होगा? मुझे प्यार करने से पहले 8-10 बारी सोच लेना, मैं तुम्हारी पिक्चर्स के लाइक्स तक चेक करूंगी।